दमोह में आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेस वार्ता करते हुए कुछ खुलासे किए, जिनमें अवैध मादक पदार्थ गांजा को पकड़ने में कोतवाली दमोह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संपूर्ण जिले में अवैध मादक पदार्थ गांजा के क्रय विक्रय प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह एवं पुलिस अधीक्षक दमोह को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान दिनांक 17/7/2021 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हटा रोड पर अवैध गांजे विक्रय हेतु आ रहा है व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें से पीछे दो व्यक्ति अपने साथ एक बैग लिए हुए थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़कर बैग चेक करने पर दोनों के बैग में से 6-6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, कुल 12 किलोग्राम कीमत लगभग 2,40,000 रुपए का मिला। अवैध मादक पदार्थ गांजा के क्रय विक्रय के संबंध में कोई कागज न होने से आरोपी गणों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। थाना पर आपराधिक क्रम 782/21 धारा 8/20 NBPS एक्ट का कायम किया गया। आरोपी गणों से होगी सघन पूछताछ। आरोपी गणों से अवैध मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछताछ की जाकर अवैध मादक पदार्थ का स्रोत एवं फुटकर विक्रेताओं के संबंध में सघन पूछताछ की जा रही है एवं सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार शुदा आरोपी गण तहसीन खान, पिता विलायत खान, उम्र 28 वर्ष, बजरिया वार्ड नंबर 3 दमोह, रूप सिंह उर्फ फूली, पिता श्याम सिंह राजपूत, उम्र 19 वर्ष, निवासी सुल्तानी मोहल्ला बजरिया वार्ड नंबर 7 जिला दमोह, आकाश सेन, पिता बद्री प्रसाद सेन, निवासी बजरिया वार्ड नंबर 7 जिला दमोह। जब्त शुदा मशरू का 12 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ, गांजे की कीमत 2,40,000, बैग की कीमत लगभग 500 रुपए, मोटरसाइकिल क्रमांक MP34MG4888, कीमत लगभग 50,000 रुपए, टच स्क्रीन मोबाइल रियलमी कंपनी करीब कीमत 5,200 रुपए और 490 रुपए नगद जब्त किए गए। सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारी, थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत, उप निरीक्षक योगेंद्र गायकवाड़, निरीक्षक BR पटेल, SI राजेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक संजय पाठक, आरक्षक लाल बहादुर प्रधान, पंकज प्रधान, पूरन सूर्यकांत पांडे, आसिफ रजनीश, राजकुमार ब्रजेश, योगेंद्र यादव, चालक नितिन, आकाश राकेश दुबे का सराहनीय योगदान रहा, जिन्हें SP द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। कहां से गांजा पकड़ा गया? दमोह कस्बे में छुटपुट खबर आ रही थी कि यहां पर भी बाहर से गांजा आता है और लोकल जो है कुछ स्थानों पर गांजा का जो क्रय विक्रय हुआ था, तो मेरे द्वारा SP और CSP दमोह को निर्देशित किया गया कि मुखबिर लगा करके नजर रखे। तो थाना प्रभारी नेतृत्व पर टीम गठित की गई है। रात्रि में ट्रेन से गांजा आ रहा था और दो बड़े बैग में गांजा आया और स्टेशन उतर कर ही जब अपने बजरियावाड़ अपने घर ले जा रहे थे तो घर ले जाते हुए 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा जो पकड़ा गया है, जयसिंह खान है, रूप सिंह राजपूत है और आकाश सिंह, ये तीनों बजरियावाड़ के रहने वाले थे। ये इकट्ठे करके छोटे छोटे टुकड़ियों में कुछ अन्य लोगों को देते हैं। तो ये अनुसंधान का विषय है कि कहाँ से आ रहा था और ये किन किन को देखते हैं, तो ये से बारीकी से पूछताछ करके जो इनका मुख्य सपना है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन तीनों व्यक्तियों से 12 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल करीब जब्त किए गए। 2,40,000 का गांजा है और मोटरसाइकिल और मोबाइल करीब करीब 50,000-60,000 का सामग्री जब्त की गई है। अभी गिरफ्तारी की गई है और उनसे डिमांड लगा से पूछताछ। तो पहले भी क्या पकड़े गए कभी? ये तो पहले व्यक्ति हैं, पहली बार इनके अपराध है। एक व्यक्ति जरूर जिस साथ पहले इनका कोई पुराना रिकॉर्ड रहा है तो फिर मुकदमा दौरान क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी तक की जानकारी में सारी पहली बार पकड़ा। सर प्राथमिक पूछताछ? हाँ अभी आ रहा है क्योंकि हम उसका नाम कर दें तो व्यक्ति गायब हो जाएगा, तो हमने इनके किसके लिए काम करते थे प्लस ये किन किन को देते थे ये अनुसंधान दौरान ज्ञात करके हम उसका। सर पुलिस ने शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की? ये बड़ी कार्रवाई ने अभी प्रेस सूचना को दिखाया कि पिछली बार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अवैध शराब का जो अभियान चलाया गया था तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक अभियान था। एक महीने में ये टोटल कार्रवाई जो है आपके सामने बताई गई, 303 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं जिसमें 313 आरोपी हैं और 1617 लीटर जो है देशी विदेशी कच्ची जो शराब है पुलिस द्वारा जब्त की, इनकी कीमत करीब करीब 12 लाख। अवैध शराब इससे स्पष्ट है कि अवैध शराब के काफी क्रय विक्रय होता था। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि अभियान की तरह जो जहां जहां अवैध शराब क्रय विक्रय होती, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, या जो वैध शराब दुकानों के जो एजेंट हैं गांव में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का
प्रयास हमारा निरंतर रहेगा। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध शराब पर निरंतर कार्रवाई करते रहे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।